हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम्स किचन। आज हम सिर्फ 15 मिनट में बन के रेडी हो जाए ऐसा इंस्टेंट आम का खट्टा अचार बनाएंगे, जिसे आप एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। घंटों का काम मिनटों में करेंगे और माँ के हाथों वाला आम का खट्टा अचार बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम राजापुरी आम लिया है। अचार के लिए आम ले तो एकदम कड़क होना चाहिए और पका हुआ नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हम दबाएंगे तो ये एकदम हार्ड होना चाहिए, उस तरह का आम हमें लेना है। इसे मैंने पानी से अच्छे से धो के कपड़े से पोंछ लिया है। पहले हम अचार में डालने के लिए नमक को थोड़ा भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून नमक लिया है, इसे कढ़ाई में डाल देंगे। ये 50 ग्राम जितना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के भुनेंगे। नमक का हमें कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसका मॉइस्चर ही खत्म करना है। तो थोड़ी देर के लिए इसे इस तरह से लगातार चला के भून लेंगे। नमक को 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है, एक डिश में निकाल लेंगे। 100 ग्राम मेथी का कुरिया लिया है, ये आधा कप जितना है। इसे भी कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा लाइटली भुनेंगे। कढ़ाई एकदम गर्म है तो गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखना है और धीमी आंच पे इसे थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। हमें इसका सिर्फ मॉइस्चर खत्म करना है, बहुत ज्यादा देर तक इसे भुनना नहीं है। इस तरह से थोड़ा हाथ से छुएंगे तो ये गर्म लगेगा, तब तक ही इसे भुनना है। गैस ऑफ कर देंगे। मैंने इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए भुना है। इसे एक डिश में निकाल लेंगे। 50 ग्राम रायता कुरिया लिया है, ये 1/3 कप जितना है। इसे भी यही कढ़ाई में डाल के भुनेंगे। 100 ग्राम हमने मेथी का कुरिया लिया है तो उससे आधा यानी कि 50 ग्राम रायता कुरिया लेना है। इसे भी धीमी आंच पे लगातार चला के भुनेंगे। इसका भी हमें सिर्फ मॉइस्चर खत्म करना है तो बहुत ज्यादा देर तक इसे भुनना नहीं है। ये भी अच्छे से गर्म हो गया है, गैस ऑफ कर देंगे। इसे भी एक डिश में निकाल लेंगे। यही कढ़ाई में हम 100 ग्राम मूंगफली का तेल डालेंगे। आपको मूंगफली का तेल नहीं डालना है तो आप घर में जो इस्तेमाल करते हैं, जो यूज करते हैं, वो तेल आप इसमें डाल सकते हैं। और इसी के साथ 50 ग्राम सरसों का तेल डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे तेल में से धुआं निकलने लगे तब तक इसे गर्म करेंगे। तेल में से धुआं निकलने लगा है तो गैस ऑफ कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। अभी हम आम को भी चॉप कर लेंगे। ऊपर से डंठल का पोर्शन निकाल लेंगे। आपको छोटा या बड़ा जैसा पीस करना है उस तरह का पीस आप कर सकते हैं। मैं मीडियम पीस पे इसे चॉप कर रही हूँ इस तरह से। अभी हम अचार का मसाला बनाएंगे। मेथी का कुरिया मैंने भून के रखा था, ये ठंडा हो गया है तो इसे इस तरह से बाउल में फैला के रखेंगे। आप इस तरह से परात में भी मसाला बना सकते हैं। राय का कुरिया ठंडा हो गया है, इसे भी इस तरह से फैला के डालेंगे मेथी का कुरिया के ऊपर। 1 टेबलस्पून सौंफ को भी एकदम लाइटली भून के लिया है, ये इस तरह से बीच में डाल देंगे, बीच में जगह बना लेंगे। 1 टीस्पून हींग डालेंगे। ये तेल हमने गरम किया, इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए ही ठंडा किया है, ये बीच में इस तरह से डाल देंगे। इसके ऊपर तुरंत ही ढक देंगे। कढ़ाई को 10 मिनट के लिए ठंडा कर दिया है, ये एकदम रूम टेम्परेचर पे आ गई है। और हमने तेल गरम किया था, इसमें से 1 चम्मच जितना तेल मैंने इसमें ही रखा है। ये आम का पीस हमने चॉप किया है, ये अंदर डाल देंगे। अच्छे से चला के तेल का कोटिंग इसके ऊपर कर देंगे। आम के सभी पीस के ऊपर तेल का कोटिंग अच्छे से हो जाना चाहिए। मैंने इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। अभी ये एकदम ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है। 1/4 कप कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, ये 40 ग्राम जितना है। तेल एकदम ठंडा हो जाए इसके बाद ही हमें इसमें मिर्ची पाउडर डालना है। अगर तेल गर्म है और मिर्ची पाउडर इसमें डाल देंगे तो अचार का कलर एकदम काला हो जाएगा। नमक हमने भून के रखा था, इसमें से अभी हम 2 टेबलस्पून नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून चीनी डालेंगे, ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। अगर आपको अचार तीखा चाहिए तो आप आधा रेशम पट्टी लाल मिर्ची पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर आधा आधा इसमें डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर में और डाल रही हूँ। टोटल मैंने 50 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर इसमें डाल दिया है।
इसमें ये आम के पीसेस डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अचार बनके रेडी हो गया है। इसे हम एक कांच की बर्नी में भर लेंगे। बर्नी को मैंने अच्छे से गर्म पानी से धो लिया है और कपड़े से पोंछ के धूप में एक घंटे के लिए सुखा के लिया है। इसमें ये अचार डाल देंगे। चम्मच से इस तरह से लाइटली ऐसे प्रेस करके दबा देंगे। बर्नी की साइड में अगर अचार का मसाला लगा है तो इसे इस तरह से साफ कर देना है। टिश्यू पेपर से इस तरह से अच्छे से साफ कर देना है। इसके ऊपर टाइट ढक्कन बंद कर देंगे, ऊपर एक कपड़ा बांध देंगे। इस तरह से डोरी से इसे टाइट बांध देना है। कपड़ा को ऊपर इस तरह से बांध देंगे। इसे दो दिन के लिए ऐसे ही रखेंगे। अचार में डालने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप तेल लिया है, ये 400 ग्राम जितना है। यहाँ पे तेल आप मूंगफली का ले सकते हैं या फिर घर में जो इस्तेमाल कर रहे हो वो तेल आप ले सकते हैं, पर सरसों का तेल हमें नहीं लेना है। तेल को एकदम धुआं निकले तब तक मैंने गर्म कर लिया और 4 घंटे के लिए इसे ठंडा करके रखा है। तेल एकदम रूम टेम्परेचर पे आ जाना चाहिए, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम ठंडा करके लेना है। अचार को रखे आज 2 दिन हो गए है तो अभी हम इसमें तेल डालेंगे। आप देख सकते हैं अचार में हमने जो मसाले डाले थे वो अच्छे से फूल गए हैं। ये तेल इसमें डालेंगे। ध्यान रहे तेल बिल्कुल भी गर्म इसमें नहीं डालना है, नहीं तो अचार काला हो जाएगा। मैंने इसमें 1.5 कप जितना तेल डाल दिया है। आप देख सकते हैं तेल का लेयर 1.5 से 2 इंच जितना है, इतना तेल हमें डालना है। ढक्कन लगा देंगे। ये अचार अभी खाने के लिए रेडी नहीं है, इसे 4 से 5 दिन ऐसे ही रखना है, फिर इसे खाने में ले सकते हैं। इसके ऊपर कपड़ा बांध देंगे। इसी तरह से अचार को कपड़ा बांध के रखना है, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए और अचार में तेल का लेयर ऊपर तक रहना चाहिए। तेल का लेयर अंदर रहेगा तो अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अचार अब जब भी बर्नी में से निकाले उसके बाद चम्मच से दबा के अच्छे से अंदर तेल का लेयर ऊपर आ जाए तब तक इसे चम्मच से दबा देना है। इस तरह से आप अचार को रखेंगे तो 1 साल तक अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। पानी वाला हाथ या पानी वाला गीला चम्मच भी इसमें नहीं डालना है। ये अचार 4 से 5 दिन के बाद खाने के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी आम का अचार बनके रेडी हो गया है। इसे आप 1 साल स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं ऐसी और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।